शांति। आज की तारीख है 8/8/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है, तो बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से सच्चा श्रृंगार करने। इस श्रृंगार को बिगाड़ने वाला है देह अभिमान, इसलिए देह से ममत्व निकाल देना है। प्रश्न, ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी कौन चढ़ सकता है? उत्तर है, जिनका अपनी देह में और किसी भी देहधारी में ममत्व नहीं है। एक बाप से ही दिल की सच्ची प्रीत है, किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसते हैं। वही ज्ञान मार्ग की ऊंची सीढ़ी चढ़ सकते हैं। एक बाप से दिल की मोहब्बत रखने वाले ऐसे बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती हैं। नाम रूप में फंसने की बीमारी बहुत कड़ी है, इसलिए बाबा वार्निंग देते हैं कि बच्चे, तुम एक दो के नाम रूप में फंसकर अपना पद भ्रष्ट मत करो। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। धारणा के लिए मुख्य सार के तो धारणा बिंदु नंबर 1, देह अभिमान के वश कभी रूठना नहीं है। साकार द्वारा बाप की मत लेनी है। एक परमात्मा माशुक का सच्चा आशिक बनना है। नंबर 2, घर बार संभालते राज ऋषि बनकर रहना है। सुखधाम में जाने की पूरी उम्मीद रख, पुरुषार्थ में संपूर्ण भावना रखनी है। वरदान सतगुरु बाबा का, माया की बड़ी बात को भी, माया की बड़ी बात को भी छोटी बनाकर पार करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। बाबा कहते हैं कि कोई भी बड़ी बात को छोटा बनाना या छोटी बात को बड़ा बनाना ये अपने हाथ में है। किसी किसी का ये स्वभाव होता है कि छोटी बात को बड़ी बनाना और कोई बड़ी बात को भी छोटा बना देते हैं। तो माया की कितनी भी बड़ी बात सामने आ जाए, लेकिन आप उससे भी बड़े बन जाओ तो वह छोटी हो जाएगी। स्वस्थिति में रहने से बड़ी परिस्थिति भी छोटी लगेगी और उस पर विजय पाना सहज हो जाएगा। समय पर याद आए कि मैं कल्प कल्प की विजयी हूँ, तो इस निश्चय से विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, वरदाता को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भर जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।